मेरे साथ है रामदास आठवले साहब। सर, राहुल गांधी के भाषण के बाद जो बहस चल पड़ी है, आप लोग कह रहे हैं हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, सामने से कहा जा रहा है कि नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि हिंदू धर्म के नाम पर बीजेपी और प्रधानमंत्री जो है वो गलत नीतियां चला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को नहीं डरा रहे हैं, और हिंदू समाज को आतंकवादी बोलना ठीक नहीं है, मतलब। और भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी डेमोक्रेसी को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, लोगों पर उनका विश्वास होता है, और हिंदू मतलब आतंकवादी होता है इसी तरह की भूमिका रखना ठीक नहीं है, मतलब। हिंदू जो है, हिंदू में कुछ लोग आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म में भी आतंकवादी लोग हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। बीजेपी शांति से आगे बढ़ रही है, लोकतंत्र को मानती है। राहुल गांधी जी को बयान में और उनके आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है, और वो मतलब समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने मतलब संविधान का विषय सामने लाकर ये संविधान बदलेंगे, ये 400 पार हो जाएंगे तो मतलब ये संविधान बदलेंगे, इसी तरह का प्रचार करके लोगों के साथ ब्लैकमेल करने का काम इन्होंने किया था, समाज को तोड़ने का इन्होंने काम किया था, अभी हिंदू समाज को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जो बयान है उसका विरोध करते हैं, और उन्होंने समाज में फूट डालना बंद करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, ये आपका आरोप है? मुझे लगता है कि उन्होंने बोला है ना, हिंदू जो हिंदू आतंकवादी है, बीजेपी वाले आतंकवादी है, इसी तरह की भूमिका रखी है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आतंकवादी है, मतलब उन्होंने मतलब चुनाव में इसी तरह की भूमिका रखकर समाज में फूट डालने का काम किया। ये तो आप बड़ा बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी है। नहीं, आतंकवादी मतलब जो अगर हिंदू आतंकवादी बोल रहे तो राहुल गांधी आतंकवादी है। तो रामदास आठवले अपने अंदाज में उन्होंने जहां एक तरफ राहुल को घेरा, वहीं यह आरोप गढ़ दिया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, और जवाब में राहुल गांधी के लिए भी रामदास आठवले ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर दिया है। जाहिर सी बात है, इस पर अब ये जो बहस राहुल के भाषण से शुरू हुई है वो और तेज होने वाली है।